आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स और मैं हूं शादाब खान। लखनऊ का एक 2 साल पुराना वीडियो शायद आपको याद होगा, जो कश्मीरी फेरी वालों को एक स्थानीय हिंदू संगठन के गुंडे पीट रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस घटना पर आपत्ति जताई थी और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। एक समय पर ऐसा होता था, अब नहीं। अब जब भारत 2021 में विश्व गुरु बन गया है तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होने पर उन्हें इंसाफ तो नहीं मिलता बल्कि उन्हें ही कानूनी कार्रवाई का निशाना बना दिया जाता है। बीते दिनों इंदौर में एक चूड़ी वाले के साथ कुछ हिंदुत्ववादियों ने मारपीट की और उसका सारा सामान लूट लिया। इसके जवाब में गुंडों पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि पीड़ित के खिलाफ ही पॉस्को समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। राज्य के गृह मंत्री ने भी इस घटना की वकालत करते हुए कहा कि तनवीर अहमद नाम बदल कर चूड़ियां बेचता था। दरअसल एक पैटर्न है जहां मुसलमानों के खिलाफ अपराध होते हैं और फिर उन्हीं पर मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। इसके सुराग हमें CAANRC प्रोटेस्ट में मिलते हैं। 20 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश में CAANRC प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा पर बात करते हुए यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो हिंसा करने वालों से जरूर बदला लेंगे। इस हिंसा में 23 लोगों की मौत हुई थी जिनमें से 21 की जान गोली लगने से गई थी। संयोग से तमाम लोग मुसलमान थे। इसके बाद पुलिस ने जनवरी 2020 में 200 लोगों की एक लिस्ट बनाई जो CAA प्रदर्शन के दौरान शांति भंग कर सकते थे। पुलिस ने इस लिस्ट में चुन चुन कर मुसलमानों के नाम डाले। इस लिस्ट में 6 साल पहले मर चुके बन्ने खां और 93 साल के फसीहत मीर खां का नाम भी शामिल था। पुलिस का कहना था कि अगर इन लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर जमानत अर्जी नहीं दाखिल की तो इन्हें जेल हो जाएगी। इसी तरह पुलिस ने लखनऊ के आसपास के गांवों में रहने वाले करीब 100 मुसलमानों से 50,000 का बॉन्ड इस वादे पर साइन करवाया कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बदला पूरा हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में भी कुछ इस तरह का वाकया पेश आया। 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली को सांप्रदायिक हिंसा ने घेर लिया। कम से कम 53 लोगों की जाने गई जिसमें 2/3 लोग मुसलमान थे, लेकिन जिन लोगों ने दंगों में नुकसान उठाया पुलिस ने कार्रवाई भी उन्हीं पर की। यहाँ साजिद खान का उदाहरण लिया जा सकता है जिनके बारे में न्यूज़ लॉन्ड्री ने रिपोर्ट भी की थी। साजिद खान को दंगे के दौरान 25 फरवरी को पेट में गोली लगी थी। गोली लगने की घटना के 5 दिन बाद 2 मार्च को उन्होंने वेलकम थाने में FIR दर्ज कराई, लेकिन आगे चलकर पुलिस ने दूसरे और आरोपियों के साथ साथ साजिद को भी उनकी FIR में आरोपी बना दिया। हालांकि वो जेल तो नहीं गए, उन्हें थाने में ही जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद कोर्ट की भागदौड़ ने उन्हें बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। शिवबिहार के 60 वर्षीय हाशिम अली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 25 फरवरी को हाशिम के घर में दंगाइयों ने लूट मार कर उनके घर को आग लगा दी थी। 10 करोड़ से बात करते हुए हाशिम ने यह भी बताया कि वो दंगाइयों में से 3 लोगों को जानते भी थे। हाशिम ने इस मामले की FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने 4 अप्रैल को उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। करावल नगर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी सुमन कुमार ने scroll.in को बताया कि हाशिम अली को उसी FIR के तहत गिरफ्तार किया गया था जिसमें उनकी शिकायत दर्ज थी। 8 जुलाई 2020 के एक आदेश में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीण रंजन ने खुफिया इनपुट का हवाला देते हुए दिल्ली दंगों की जांच करने वाली जांच टीमों को दिल्ली दंगों के मामलों में हिंदू युवाओं की गिरफ्तारी पर हिंदू समुदाय के बीच नाराजगी का अंदेशा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई थी। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि इस्लामोफोबिया का वायरस भारतीय पुलिस तक पहुंच चुका है? आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचें।